राजस्थान के सभी जिलों में स्थानीय संचार मीडिया द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। हमारी करौली में नील एंड लाइन्स कमीशन संस्था द्वारा चलाए जा रहे जन जागृति अभियान से हमारे समाज में रहने वाले स्त्री पुरुषों को जागरूकता आई और उन्होंने अपने घर का कचरा मकान के बाहर डालना बंद कर दिया। मैंने एक शो देखा था, उसमें अच्छी बातें बताई गई थी। उसमें बताया गया था कि नलों में व्यर्थ पानी ना बहे, उसमें ठोंटी लगानी चाहिए, घर की साफ सफाई के साथ में अपने को मोहल्ले इत्यादि की भी सफाई रखनी चाहिए और अपने कचरे को कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, अपन को इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए। तो उसका आपने उपयोग में कितना लिया उस चीज को? ठोंटी लगवाई नल में और गंदगी बाहर नहीं फेंकते। और नहीं मच्छर पैदा होती दूसरी बात है ना, हमारा पर्पस ये नहीं होता, सारे विकास के काम तो डिपार्टमेंट को करने होते हैं, है ना। हम तो लोगों को जागरूक जगाते हैं, हम सीधे सीधे अगर पब्लिक को ये कह देंगे आपको ये करना है ये नहीं करना है तो उनके समझ में नहीं आएगी। हम लोग अलग अलग मीडियम के लिए काम करते हैं, हम लोग वैसे भी टेलीविज़न मीडिया के लिए भी काम करते हैं हम लोग, तो जहाँ जो मीडिया समझ में ज़्यादा आता है लोगों के उसी मीडिया का हम सिलेक्शन करते हैं कि हमको लगा, क्योंकि ये पारंपरिक रहा है, कठपुतली सदियों से चली आ रही है ना, राजस्थान से इसका ओरिजिन भी हो रहा है। तो उस हिसाब से ये क्या है कि इसको देखते ही सबसे पहले जब तक आप मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे किसी चीज़ को तब तक लोग उसको शायद सुनने में उतनी रुचि नहीं लें। हमने इसलिए इसको मिक्स किया कि हम इसके अंदर संदेश भी रखें, इसमें मनोरंजन भी रखें। अब तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि संचार मीडिया के द्वारा जन जागृति अभियान चल रहा है, उससे हमारे करौली के समाज के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मैं स्वयं भी घर के बाहर कचरा फेंकती थी, लेकिन जन जागृति अभियान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रेरित होकर मैंने स्वयं ने बदलाव लाया और घर का कचरा एक बर्तन में इकट्ठा करने लगी, उसके बाद कचरे पात्र में डालने जाती हूँ। बच्चों को भी समझाया जिससे बच्चे बाहर गंदगी ना फैलाएं। इस सबको करने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है एवं फैल रही अनेक तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के। हम सीधे सीधे अगर...